आज हम वेजिटेबल उपमा बनाने जा रहे हैं। वेजिटेबल उपमा एक बहुत ही पौष्टिक और कम कैलोरी वाला व्यंजन। इसे हम सुबह नाश्ते में खा सकते हैं या शाम को चाय के साथ स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। इसे बनाने वाली सारी सामग्री बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये बहुत ही जल्दी और कम समय में बन जाता है। आज हम वेजिटेबल उपमा बनाने जा रहे हैं। वेजिटेबल उपमा एक बहुत ही पौष्टिक और कम कैलोरी वाला व्यंजन। इसे हम सुबह नाश्ते में खा सकते हैं या शाम को चाय के साथ स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। इसे बनाने वाली सारी सामग्री बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये बहुत ही जल्दी और कम समय में बन जाता है। इसे बनाना बहुत आसान होता है और इसमें सूजी और बहुत सारी सब्जियां डलती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत फिलिंग होता है। भूख बहुत ही देर में लगती है इसको कुछ खाने के बाद। नहीं, उपमा बनाने के लिए काम में आने वाली सामग्री इस प्रकार है। सूजी 2 कप, बारीक राई या मोटी राई 1 चम्मच, कड़ी पत्ता 10 से 15 पत्ते, मूंगफली दाना 50 ग्राम, चना दाल 1 चम्मच, उड़द दाल 1 चम्मच, प्याज 1 बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, लहसुन 4-5 कलियां बारीक कटे हुए, पत्ता गोभी 1 कटोरी बारीक कटा हुआ, गाजर 1 बारीक कटा हुआ, मटर के दाने 1/2 कटोरी, शिमला मिर्च 1 बारीक कटी हुई, अदरक कद्दूकस किया हुआ 1 इंच के करीब, नमक एवं मिर्ची स्वाद अनुसार, तेल 4 चम्मच के करीब, पानी 6 कप। पानी का जो अनुपात होगा वो करीब सूजी से 3 गुना होगा। अगर आप सूजी को किसी कटोरी से नापते हैं तो पानी भी वही कटोरी से नापेंगे और उसे हम 3 गुना रखेंगे। हरा धनिया बारीक कटा हुआ एवं 1/2 नींबू का रस। उपमा बनाने के लिए एक नॉनस्टिक कढ़ाई लें और उसे गैस पर रखें और गैस जलाएं। अब मैं इसमें करीब 2-3 चम्मच तेल डालूंगी। तेल को तेज आंच पर गर्म होने दें। इसे सारी कढ़ाई में अच्छे से फैला लें। जब तेल गर्म हो जाए तब उसमें राई डालें। राई को अच्छे से तड़कने दें। अब राई तड़कने लगी है, उसमें हम दालें डाल रहे हैं। चने की दाल और उड़द की दाल हम काम में लेते हैं। ये तल के बड़ी करारी और कुरकुरी हो जाती है। इन्हें लाल होने तक चलाएं। और इसे भी अच्छे से चलाएंगे। दाने को तब तक चलाएं जब तक कि ये लाल हो जाए।
मूंगफली दाना सिकने की पहचान है कि यह चटर पटर की आवाज करने लगता है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ते के बाद अब इसमें सूजी डालेंगे। और इसे अच्छे से भूनेंगे। सूजी को तेज आंच पर चलाते हुए भूनिए जब तक कि यह हल्की लाल हो जाए। जब सूजी थोड़ी सी सिक जाए तब इसे धीमी आंच पर कर दें ताकि ये जले ना। बस हल्की भूरी सूजी चाहिए, जैसे कि अब हो गई है। अब हम इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक दूसरा नॉनस्टिक पैन लेंगे और इसमें सब्जियां तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले 2-3 चम्मच तेल, 1/2 गैस जलाएंगे। तेल को अच्छी तरह गर्म होने दें। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, ये सब डालकर अच्छे से भूनेंगे। इन्हें आप चाहें तो हल्की आंच पर भी भून सकते हैं जब तक कि प्याज सुनहरा लाल हो जाए। प्याज सुनहरी लाल होने लगी है, इसमें हम मटर के दाने डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे। मंदी आंच पर करके इसको हम ढक्कन से भर देंगे जिससे मटर जल जाए। इस मिश्रण को हम बीच बीच में थोड़ा सा चला देंगे। करीब 4-5 मिनट में हमारी मटर बिल्कुल गल गई है। अब इसमें हम बाकी सब्जियां डालेंगे। अब मैं इसमें गाजर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च, और पत्ता गोभी मिला देंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च डाल देंगे। सब्जी 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। इन सब्जियों को हम बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे, हल्का खड़ा रखेंगे।
अब ये सब्जियाँ करीब करीब पक गई हैं, हल्की गली भी हो गई हैं, और गैस बंद कर देंगे। अब हम इस सब्जी को हमारी जो सूजी हमने भुनी थी उसमें मिला देंगे। इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। यह बड़ा अच्छा रंग बिरंगा सा दिखाई देता है क्योंकि इसमें कई सारी सब्जियां हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें जो पानी हमने नापा था उसे डालेंगे। इस पानी को हम उबलने रखेंगे। आप इसे ढक के भी उबाल सकते हैं ताकि ये जल्दी उबल जाए। अब यह पानी उबल गया है। इसे हम भुनी हुई सूजी और सब्जी में मिला देंगे। इसे धीरे धीरे आराम से हिलाते हुए मिलाएं ताकि गांठें ना बने। सारा पानी सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर आपका पानी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो घबराइए मत, क्योंकि सूजी सारा पानी पी लेती है। इसे जरा सी देर चलाते रहिए। देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा खिला हुआ होने लगा, सूजी सूखने लगी है। इसे एक दो मिनट और पकाएं, आँच धीमी ही रहने दें। जब पानी ख़त्म सा लगे और सूजी अच्छे से खुली भी हो जाए, इसमें नींबू निचोड़ कर इसे ढक कर 3-4 मिनट छोड़ दें। अब हमारा उपमा तैयार है। देखिए सूजी ने सारा पानी पी लिया है, इसे हम ढक देंगे। और गैस बंद कर देंगे। 4-5 मिनट इंतज़ार करेंगे। करीब 5 मिनट बाद हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। इसे हरे धनिए से सजाकर सर्व करेंगे। Please like, subscribe and comment on our channel. Please press the button after viewing. Thank you.